लीडिंग लोकल न्यूज चैनल ऑफ वडोदरा। गर्मीनी शुरुआत थई गई छे, ज्यारे बजारोमां फ्रूटना भाव पण आसमाने पहोंच्या छे। मध्यम वर्गना लोको फ्रूट लेता विचारे छे, જ્યારે બીજી તરફ નારિયેલના ભાવ 50 રૂપિયા, મોસંબીનું જ્યુસ લેવું હોય તો 70 રૂપિયાનું આ વખતે નારિયેલની અછત છે। મૈસૂરથી નારિયેલ વડોદરામાં આવે છે, વેપારીઓ શું કહી રહ્યા છે? આ વખતે ખેતી થઈ નથી, મોસંબીના 120 રૂપિયા કિલો, અનાનસના 100 રૂપિયાનો ભાવ ચાલે છે। હાલ રમજાન અને નવરાત્રી ચાલી રહી છે, તેવામાં નારિયેલ જે મૈસૂરથી આવે છે ટ્રાન્સપોર્ટનો પણ ખર્ચ વધી જાય છે, જેના લીધે ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે। बताइए भैया, जो सीजन आई है, फ्रूट के भाव क्यों बढ़ते हैं? फ्रूट भाव इसलिए बढ़ रहा है साहब कि नवरात्रि भी चालू है और लोग कोरोना भी है, रमजान भी चालू है, इसके कारण क्या सबको चाहिए और इसका क्या फल खेत में कम हुआ है और ये जो फल है सब बाहर से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ जा रहा है तो इसके ऊपर चढ़ जाता है ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भाड़ा किराया सब इसमें निकालते हैं, इसके कारण जो है फ्रूट जो है महंगा है। नारियल जो है मैसूर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, गुजरात का नहीं है सर, तो ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ता है, इसके लिए महंगा है सर। क्या रीज़न क्या होगा बढ़ने का? बस यही, माल कम है, माल खेत में कम है, रीज़न यही, पीने वाले खरीदने वाले ज़्यादा हैं, माल कम है। अभी जिस तरह से कोरोना चल रहा है तो कोरोना में कौन सा फ्रूट ज़्यादा लोग ले जाते हैं? देखो सर, इसमें क्या है, अपनी अपनी पसंद है, कोई नारियल पीता है तो कोई संतरा पीता है, कोई मौसमी पीता है, कोई एप्पल खा रहे हैं, मतलब अलग अलग सब, कोई सब्जियाँ खा रहे हैं, जिसको जो डॉक्टर बोले वो खाते हैं। क्या भाव है नारियल का? एक नारियल का एक नारियल का भी 50 रुपये, 40 रुपये है सर। मौसमी का? मौसमी 120 रुपये किलो है। और अनानास? अनानास 100 रुपये है।